दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर खड़े खराब ट्रक में राख से भरे टैंकर ने मारी टक्कर। चालक को कई घंटों की मशक्कत के बाद निकाला, दोनों टांगे टूटी। कुरुक्षेत्र किया रेफर। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर गांव मस्ताना के पास जीटी रोड पर खड़े यूपी नंबर ट्रक में पीछे से राजस्थान नंबर टैंकर ने टक्कर मार दी, जिससे पिछला टैंकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। राहगीरों की मदद से टैंकर चालक को बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला, जिसकी दोनों टांगे टूट गई। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने एम्बुलेंस से कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल भेज दिया। बता दें कि एक ट्रक जो कि पहले से ही नेशनल हाईवे पर खराब होने के चलते खड़ा था, ट्रक में चावलों से भरा हुआ था, जिसमें पीछे से टैंकर जो कि पावर प्लांट के लिए राख लेकर जा रहा था, उसने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे टैंकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टैंकर चालक बीच में ही फंस गया, जिसे राहगीरों की मदद से बाहर निकाला गया। आज थाने में फोन प्राप्त हुआ कि जी रोड पर एक्सीडेंट हुआ है। जो हम मौके पर पहुंचे तो देखा कि एक ट्रक जो पहले जी रोड पर खड़ा हुआ था, पीछे से आके उसमें एक टैंकर टाइप भिड़ा है, उसमें ड्राइवर फंसा हुआ था। तो पुलिस प्रशासन एम्बुलेंस मौके पर पहुंच चुकी थी और चलते हुए राहगीरों की मदद से वो ड्राइवर को बहुत मुश्किल से निकाला और हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। एक ही आदमी था जिसके साथ कोई नहीं था, और जो ट्रक खड़ा था उसका भी ड्राइवर नहीं था।